ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी, जब करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल टूटा था, जिसके बाद न केवल कैप्टन कूल, न केवल क्रिकेटर्स बल्कि फैंस की भी आंखें नम हो गई थी। भारत को जीत की ओर ले जा रहे महेंद्र सिंह धोनी जब रन आउट हुए तो पल भर के लिए शायद किसी को यकीन भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि अंपायर भी हैरान रह गए। उनके चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था। अब यही अंपायर एक बार फिर रविवार 19 नवंबर को होने वाले महामुकाबले में भी नजर आने वाले हैं। इस अंपायर का नाम है रिचर्ड कैटलब्रो। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले फाइनल मैच के लिए अंपायरिंग करने वाले अंपायर्स के नाम सामने आ गए हैं, जिनमें रिचर्ड कैटलब्रो का नाम भी शामिल है। कैटलब्रो एक बार फिर भारत के अहम मुकाबले में ऑन फील्ड अंपायरिंग करने वाले हैं, जिसके बाद भारतीय फैंस में खलबली सी मच गई है। 2014 के बाद से भारत छठी बार फाइनल खेलने जा रही है, लेकिन इस मैच से पहले एक गजब का संयोग देखने को मिला है। इन सब फाइनल मुकाबलों में रिचर्ड कैटलब्रो को अंपायरिंग करते हुए देखा गया और भारत को हर बार हार मिली, जिसमें सबसे ज्यादा यादगार 2019 विश्व कप में एमएस धोनी के रनआउट के दौरान रिचर्ड की मौजूदगी है। वो मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी के इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच साबित हुआ। भारत का सबसे बड़ा कप्तान, सबसे बेहतरीन लिमिटेड प्लेयर्स में एक खिलाड़ी बिना किसी बड़े फेयरवेल के इस तरह विदा हो गया, इसलिए फैंस को फाइनल मैच से पहले ही हार का डर सताने लगा। रिचर्ड कैटलब्रो ने अंपायर बनने के ऐलान के साथ ही वो फैंस के निशाने पर आ गए। सोशल मीडिया पर फैंस ने रिचर्ड को ट्रोल कर जमकर मजे लिए। किसी ने कैटलब्रो को पनौती बताया तो किसी ने खबर पर सुनकर हैरानी जताई।